राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 तारीख को होने वाले हैं, मतदान होगा। उससे पहले अभी जो समय चल रहा है वह नामांकन का। यह दृश्य आप देख रहे हैं उदयपुर शहर के दहली गेट का, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन भरने के लिए विवेक कटाराय और उनकी ये सभा है। इसी के जस्ट पास में कलेक्ट्रेट है, जो 100 मीटर की डिस्टेंस पर लोगों को रोक दिया गया है। आज उदयपुर के लिए खास इसलिए है क्योंकि आज 3 बड़े नामांकन यहाँ पर होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। पहला, उदयपुर शहर सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाले ताराचंद जैन, जो कटारिया के जाने के बाद, जो असम के राज्यपाल बने गुलाब चंद कटारिया, उनके जाने के बाद उनको टिकट दिया गया, उनको विरासत सौंपी गई। दूसरी, भाजपा से ही उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। और तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया फूल सिंह मीणा। और तीसरी बार पिछले चुनाव में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विवेक कटारा, जो हार गए थे, पार्टी ने से मौका दिया और अभी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। सभा में पहुंचे लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या रुझान है विवेक कटारा का, जो पहली बार हार चुके हैं, इस बार किस तरह से जिताए। भाऊ जी, किसके समर्थन में आए, किसके समर्थन में आए, कौन है, किसके समर्थन में आए? अरे भाई ये ना भाई ने, अच्छा नाम याद नहीं है, विवेक कटारा जी, विवेक कटारा, विवेक जी कटारा है ना, पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार कैसे जिताएंगे इनको? जिताएंगे अब तो। कैसे? आप कहाँ से आए? सरो से। सरो से विवेक जी आए वहाँ पे कभी? आजाद बार से नहीं आजाद पर ना नहीं आए एक भी बार। हेलो भाई जी, किसके लिए आए आप? नहीं बता आप भाई जी, तो यहाँ महिलाएं थोड़ा घबरा रही है। तो भाऊ जी आप बताए किसके समर्थन में? और हमारे बड़े भाई किसके समर्थन में? दिल्ली में आया विवेक कटारा। किस तरह से जिताएंगे? जिताएंगे कैसे? हाथ में वोट डालेंगे, वोट डालेंगे। कहाँ, कौन से गांव से आए? पिपलिया। पिपलिया, पिपलिया जो पहाड़ी वाला है, सुंदर, अति सुंदर, उदयपुर का सबसे सुंदर। तो आपके यहाँ पे कितने वोटर है, आप किस तरह से उनको समझाएंगे, घर घर जाएंगे, क्या करेंगे? सब करेंगे, घर घर जाएंगे। काका विवेक जी के समर्थन में आए? अच्छा, पिछली चुनाव हार गए थे सज्जन कटारा जी, उसके पहले विधायक थी। विवेक जी को कैसे बनाएंगे? विवेक जी को कैसे विधायक बनाएंगे आप? वोट देके बनाएंगे। आप साथ में खड़े रहेंगे? बिल्कुल। हाँ, आप बताएं बाबू जी। खड़ा करें। सभी जिताने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं या फिर बता नहीं पा रहे हैं कि वो विवेक जी कटारा के। और भी लोगों से बात करें, उधर देखिए आप पीछे काफी लोग बैठे हुए हैं। किसके लिए आए? नामांकन के लिए आए हैं। नामांकन विवेक जी का? हाँ, विवेक जी का। अच्छा, पिछली बार चुनाव हार गए थे वो, इस बार कैसे जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। अभी इसलिए बार कोई काम नहीं हुआ हमारे, इसलिए। अच्छा, फूल सिंह जी काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, इसलिए हम नामांकन भरने के लिए विवेक जी को जिता के रखेंगे। अच्छा, कौन सा काम लेके गए थे? काम लेके सब कुछ, ग्रामीण में जो काम होता है वो कोई काम घटे किसी का हो रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, फूल सिंह जी से नाराज है विधायक? नाराज है, इसलिए हम विवेक जी को जिता के हमारे विकास का काम करवाएंगे। पिछली बार भी आप विवेक जी साथ थे? बिल्कुल, विवेक जी के साथ में थे। आप बताएं जयपुर से आए, किसके साथ कैसे समर्थन करेंगे? हम तो मिल के करेंगे, सब सब मिल के। हाँ, विधायक जी कैसे इस बार आपके, फूल सिंह जी? अभी फूल सिंह जी कोई काम नहीं करा रहे। क्या वो क्या क्या काम नहीं किया? आप कौन सा काम लेके गए थे? कौन सा काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में कोई का काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई हो नहीं रहा है। विधायक से नाराज है फूल सिंह जी मीणा पीछे। अरे भाऊ जी आप बताएं कैसे जिताएंगे? वोटों से जिताएंगे। अच्छा, इस बार विधायक जो है अच्छा काम किया, काम करे। तो विधायक जी जो है आपके अभी जो वर्तमान में फूल सिंह जी मीणा, वो कैसे हैं आप? वो एक बार वापस कोटे जाना है। क्या विधायक जी कैसे हो इस बार? कौन सा विषय? फूल सिंह जी मीणा जो विधायक है ना, उनके कामों से खुश है आप? नहीं पहुँच सकता। नहीं खुश है? आप बताए बाबू जी। नहीं बताए तो विधायक जी के, विधायक जो है ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे फूल सिंह मीणा, उनके कामों से नाराजगी है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने के लिए आए। अब चलेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर नामांकन के लिए सभा होने वाली है। कांग्रेस के विवेक कटारा, जिसको आपने देखा, उनके लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, अब हम खड़े हुए हैं
जहां विवेक कटारा की जो सभा थी उससे 100 मीटर दूर बैंक तिराहा पर जो एक भारतीय जनता पार्टी की सभा है, इसमें उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर दोनों के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बैंक तिराहे पे सभा है, आप देख सकते हैं सभी चेयर पे और ऊपर इनकी सभा चल रही है, सभी संबोधन कर रहे हैं आज के दिन अपने वोटर्स को रिझाने के लिए। बात करेंगे, किसके लिए आए आप? हम चुनावी रैली में आए। चुनाव रैली में किसके समर्थन में? फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा। ग्रामीण विधानसभा कैसे है, मतलब वो आप जानते हैं उनको अच्छे, 10 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? मेवाड़ के सेकंड मोदी है वो, मेवाड़ के सेकंड मोदी। तो कांग्रेस की तरफ से बोला गया था 10 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ, वो मंदिर में और बड़ों को धोख दे के और चलते रहते। कहाँ कहाँ जा रहे वो? मंदिर में और बड़ों को धोख दे के और वोट लेते। उनके जैसा विकासशील और संघर्षशील आदमी हो नहीं सकता, बहुत मेहनती और बहुत अनुभवी आदमी। क्या क्या विकास हुआ आपने? अच्छी रोडें बनाई उन्होंने, जल से नल की योजना को हर पंचायत में लागू, राज नहीं होते वो भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा, राज होता तो? राज होता तो उससे बेहतर और वो उससे बेहतर काम होता, काम होता। और भी बात करेंगे या महिलाओं से बात करेंगे? आप बोलोगे भाजी, किस लिए आए आप यहाँ? किस लिए आए आप भाई जी यहाँ पे, किसके समर्थन में? किसके समर्थन में? बीजेपी के समर्थन में। बीजेपी किसके लिए? ग्रामीण या शहर? उदयपुर ग्रामीण, ग्रामीण से। ग्रामीण से आए। फूल सिंह जी के बारे में बता रहे हैं कि 10 साल काम ही नहीं हुआ जी, 10 साल काम ही नहीं किया ऐसा बता रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत काम करा है, कोई लेना देना नहीं। आप बताए काम किया? हाँ किया। क्या काम किया? आदि में भी हुआ, मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे को हॉस्पिटल वही ले जाते हैं। अरे वो ले जाते हैं? हाँ। अच्छा, और विकास का काम? और विकास का काम टंकी बनाई अभी पानी के लिए। तो अगली बार चाहते हो आप? मन तन और धन से, सब चीजों से चाहते। कटारा जी वाले समर्थक चाहते वो बने हैं, कटारा जी के समर्थक चाहते वो बने विधायक। कैसे? कटारा जी, विवेक कटारा के समर्थक चाहते कि विवेक कटारा विधायक बने, आप कैसे बनाएंगे फूल जी को? फूल जी को जीता के बनाएंगे ना। कैसे, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, अपनी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या, वोट दिलाऊंगा जितना कोशिश होगा। क्या बात है, इनसे और बात करेंगे। बाबू जी कहाँ से? उदयपुर ग्रामीण। मैडम उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से। कौन है आपके विधायक? फूल सिंह मीणा। फूल सिंह मीणा जी कैसे हैं? अगली बार चाहते हो विधायक है या फिर किसको वोट देंगे? काम बहुत अच्छा करेगा साथे, काम नहीं करेगा अंदर साथे, काम करेगा बहुत अच्छा साथे। तो काम किया है अभी जी ने आपके? काम किया। क्या क्या काम किया आप बताओ? काम तो है जो रोड रोक रही हो, स्कूल रोक रही हो, मारो गांव में पगडंडी रोड ही हो, रोड निकलाई ने अपने इंदिरावास एक एक सदर एक हो के लिए सदर एक रहता, मकान गिर गया तो मकान बनाया, स्कूल बनाई ने और इनिकट बनवाया। इस बार चाहते हो आप जे? इस बार क्या चाहते हो? काम दे रही है तो साथ से काम तो मन कांग्रेस तो दी देंगे ना। बच्चियों के लिए क्या करते हैं आप? आप विधायक जी, आप जानते हो विधायक को? वही विधायक के लिए, विधायक के लिए, फूल सिंह विधायक के लिए करते हैं। क्या क्या करते हैं बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए? सब आप मत बताइए, इनको बताने दीजिए। सब काम करते हैं। क्या क्या काम किया बच्चियों के लिए? बच्चों के लिए यूनिफॉर्म दी स्कूल की और गांव के लिए सब काम किया उन्होंने। तो फूल सिंह मीणा जो भाजपा के समर्थित थे वो फूल सिंह मीणा का ऑब्वियसली समर्थन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 साल काम किया, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है, इसलिए वो विवेक कटारा जो है उनको समर्थन करेंगे। तो वो उनकी पार्टी के इसलिए उनका समर्थन और भाजपा के जो समर्थित है वो भाजपा का समर्थन करेंगे। 25 तारीख को मतदान है, उसी समय निर्णय होगा कि किस तरह से, और 3 दिसंबर को निर्णायक साबित होंगे कि कौन दोनों सीटों पर विधायक बनेंगे। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।